नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का। सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या बात है दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंदर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए अपन आगे चलते हैं, लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले एक बार अपने इस क्लास को दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए, जिससे प्रत्येक जो छात्र है राजस्थान का उस तक दोस्तों आपकी यह क्लास एक बार पहुंचे जाए। देखिए दोस्तों अपन देख रहे थे जो अपना इतिहास का टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे सूफी आंदोलन। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आज के वर्तमान के से प्रतियोगिता के महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों आपका जहां से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका जरूर आता। ध्यान देना दोस्तों, जो आपका सूफी आंदोलन है बड़ा नहीं है, ज्यादा बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन इतना अच्छा और शानदार आता है दोस्तों, जिसको आप हल जरूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अपन चलते हैं, पिछली कक्षाओं के अंतर्गत अपन ने देखा था कि जो आपका सूफी आंदोलन है उसका जो सामान्य परिचय है, उसके बाद में सूफी आंदोलन की प्रमुख महिलाएं संत, और उसके बाद में दोस्तों आपका जो सूफी आंदोलन के अंतर्गत जो आपके प्रमुख सिलसिले हैं या संप्रदाय है उनके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था दोस्तों कि कैसे अपन ने सूफी आंदोलन के दौरान जो आपके सिलसिले हैं, जो मुस्लिम धर्म के अंदर सूफी आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आपके प्रसिद्ध जो सिलसिले हैं, जो संप्रदाय है, उनमें सबसे पहला अपन ने देखा था दोस्तों कौन सा, अरे चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत दोस्तों अपन ने देखा कि आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और उसके बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद में दोस्तों अपन ने देखा था आपके इस चिश्ती संप्रदाय या सिलसिले के अंतर्गत हमीमुद्दीन नागौरी, और हमीमुद्दीन नागौरी के बाद में दोस्तों बाबा फरीद, और अब देखेंगे दोस्तों आपके इस चिश्ती सिलसिले का सिरमौर और महान संत है, जो दोस्तों आप सब अच्छी तरह उसके बारे में जानते हैं, आपके हैं दोस्तों सबसे चहेते और सूफी जो संत है वो आने वाला है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। कौन सा है, अरे निजामुद्दीन औलिया है, बहुत ही शानदार है दोस्तों यह जो टॉपिक आपका निजामुद्दीन औलिया का। अपन देखेंगे कि कैसे इनका, कहां पर इनका जन्म हुआ, माता पिता कौन है, और ये किसके शिष्य थे, इन्होंने अपने खान कहां पर स्थापित की, ये चीजें दोस्तों अपन इस निजामुद्दीन औलिया जो आपके चिश्ती सिलसिले का जो प्रमुख है, संत है, सन्यासी है, उसके बारे में अपन चर्चा करें। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका, एक बार सभी एक बार समझने का प्रयास करना दोस्तों। सभी को नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। चलिए तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, आप भी तैयार रहना दोस्तों। देखिए अपन चलते हैं चिश्ती सिलसिले की ओर। देखिए आपका जो अपन देख रहे हैं दोस्तों इतिहास के अंतर्गत, भारतीय इतिहास में दोस्तों आपका सूफी आंदोलन के दौरान चिश्ती सिलसिला, यही पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से देख लेना कहीं दूर नहीं चले जाए अपना टॉपिक, तो एक बार निगाह इधर जरूर दौड़ा लेना कि आपका जो टॉपिक है वो यही है क्या, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले में दोस्तों अपन देखेंगे अगला जो आपका सूफी संत है कौन है दोस्तों, मोहम्मद बिन
मोहम्मद बिन, ध्यान देना दोस्तों बहुत लंबा नाम है, मोहम्मद बिन अहमद निजामुद्दीन औलिया, अहमद निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, औलिया छोटा है ना नाम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा है अपने निजामुद्दीन औलिया जी का नाम, दिख रहा है बहुत छोटा नाम है इस सूफी संत का, मोहम्मद बिन अहमद निजामुद्दीन औलिया। देखिए दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ, बताने का प्रयास करना दोस्तों, जन्म, इनका जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद में इनके पिता, और पिता के बाद में दोस्तों माता। देखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ निजामुद्दीन औलिया का, और इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, और दोस्तों इनके पिता कौन थे, इनकी माता का क्या नाम था। आपके चिश्ती सिलसिले के अगले जो महान सन्यासी है मोहम्मद बिन अहमद निजामुद्दीन औलिया, यही है। देखिए दोस्तों इनका जो जन्म है निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों 1238 में हुआ था, कब हुआ था 1238 में हुआ था, और कहाँ हुआ दोस्तों, बदायूं, बदायूं कहाँ है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में आपका बदायूं स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म दोस्तों 1238 में बदायूं नामक स्थान पर हुआ, बदायूं आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। देखिए दोस्तों आगे इनकी मृत्यु 1325 में हुई थी, कब हुई थी निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में, कहाँ हुई दोस्तों, दिल्ली के अंदर, दिल्ली, दिल्ली में है, दिल्ली कहाँ है, अरे दिल्ली, दिल्ली में है आने, तो ध्यान देना दोस्तों इनका जन्म 1238 बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनकी मृत्यु दोस्तों आपके 1325 दिल्ली के अंतर्गत हुआ। इनके पिता का नाम है दोस्तों आपका क्या नाम है, अहमद बदायूं ने, क्या नाम है, अहमद बदायूं ने, किनके पिता का नाम, निजामुद्दीन औलिया के पिता का नाम क्या है, अहमद बदायूं ने, और इनकी माता का क्या नाम है दोस्तों, अपन ने पीछे देखा था कि निजामुद्दीन औलिया की माँ भी दोस्तों एक प्रमुख सूफी संत थी, बीबी जुलेखा, क्या थी दोस्तों, बीबी जुलेखा। निजामुद्दीन औलिया की माता भी दोस्तों एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस महिला सूफी संत थी, किनकी माँ, निजामुद्दीन औलिया या फिर मोहम्मद बिन अहमद निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों नाम तो बहुत छोटा है, आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना होगा। देखिए इनकी माता का नाम है दोस्तों बीबी जुलेखा, क्या नाम है, बीबी जुलेखा हो गया। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, अपन इसको समझते हैं, ध्यान देना। देखिए अपन देख रहे हैं दोस्तों आपके जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है दोस्तों, मध्यकाल के अंतर्गत भारत में दोस्तों मुस्लिम धर्म के अंतर्गत एक ऐसी क्रांति आई, एक ऐसा परिवर्तन आया दोस्तों जिसे इतिहास के अंतर्गत सूफी आंदोलन कहा जाता है, और वही सूफी आंदोलन दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत देख रहे हैं। इस सूफी आंदोलन में दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत प्रमुख संत या फिर सन्यासी। इस चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत दोस्तों आपका जो अगला जो है कौन सूफी संत, वो है दोस्तों मोहम्मद बिन अहमद
निजामुद्दीन औलिया। कौन है? अरे मोहम्मद बिन अहमद निजामुद्दीन औलिया, जो आपके चिश्ती संप्रदाय का अगला संत या सन्यासी है। देखिए, इस भाई साहब का जन्म कब हुआ था? 1328 में बदायूं आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ? 1238 में निजामुद्दीन औलिया का क्या हुआ? जन्म हुआ। उसके बाद में दोस्तों इनकी मृत्यु 1325 के अंदर हुई। और कहाँ हुई? अरे दिल्ली दिल वालों की है, और बंबई पैसे वालों की है, और दोस्तों चेन्नई फैशन वालों की है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? अरे हमारे देश के दिल के अंदर इनका जन्म हुआ। कहाँ है हमारे देश का दिल? दिल्ली। कहाँ हुआ इनका, सॉरी इनकी मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली के अंतर्गत। कब हुई? 1300। निजामुद्दीन औलिया के पिता का नाम अहमद बदायूनी था। क्या था दोस्तों? अहमद बदायूनी। और इनके माता का नाम दोस्तों क्या था? यह एक प्रसिद्ध महिला सूफी संत रही है, बीबी जुलेखा। क्या नाम है दोस्तों? अरे बीबी जुलेखा। तो यहां तक कोई समस्या दोस्तों नहीं है। आगे चले, देखे अपन आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे निजामुद्दीन औलिया के अंतर्गत। देखे अपन देखते हैं दोस्तों, जो आपका शब्द है औलिया, कौन सा शब्द है औलिया? इस औलिया का कई बार दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान दें, जो दोस्तों आपका औलिया जो शब्द है, ये वली का क्या है? बहुवचन है। क्या है दोस्तों? बहुवचन। और ये जो वली है, इस वली का दोस्तों क्या अर्थ होता है? अरे इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। समझ में आ गया यहां तक? अरे देखिए, इस शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? देखिए, इस औलिया शब्द का अर्थ है दोस्तों ईश्वर का मित्र या दोस्तों प्रेमी। क्या होता है? ईश्वर का मित्र या प्रेमी। समझ में आ गया लाडला? अरे अपन जो देख रहे हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में, और ये जो औलिया जो शब्द है, यह एक बार दोस्तों आपका एग्जाम में आया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे ये औलिया शब्द है जो है वली शब्द का बहुवचन है, और इस वली का अर्थ होता है, अरे जो सूफी संत का उत्तराधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहास में वली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वली कहा जाता है। और दोस्तों इस औलिया शब्द का अर्थ होता है आपका कि ईश्वर का प्रेमी या मित्र। क्या होता है? ईश्वर का प्रेमी या जो मित्र होता है वो कौन है? औलिया। समझ में आ गया यहां तक? देखिए आगे देखिए दोस्तों, अपन और आगे चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों, कि आपके निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, एक बार बताने का प्रयास करना। देखिए दोस्तों कि निजामुद्दीन औलिया किस महान सूफी संत के शिष्य थे, या उत्तराधिकारी थे दोस्तों, या वली थे, एक बार बताने का प्रयास करना दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है दोस्तों हमारे इस सूफी आंदोलन में से, जो आपके कई एग्जाम के अंतर्गत अब तक पूछा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर भी आप बताने का प्रयास करना दोस्तों। देखते हैं किसका आंसर आता है। क्या बात है,
वाह भाई आपका जो आंसर है अरे आसमान को भी फाड़ करके निकल आता है, तो बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। देखिए कि आपके जो निजामुद्दीन औलिया है अरे वो बाबा फरीद के शिष्य है। किसके शिष्य हैं? बाबा फरीद के शिष्य हैं। और किसके गुरु हैं? बाबा फरीद किसके गुरु है दोस्तों? आपके निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के गुरु का क्या नाम है दोस्तों? बाबा फरीद। क्या नाम है? बाबा फरीद। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा समझने का प्रयास करना। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आपके बदायूं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन दोस्तों इनका लालन पालन आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इनका मन वहां नहीं लगा और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया भ्रमण करते हुए हमारे देश के अंतर्गत से दोस्तों अजोधन नामक स्थान पर पहुंच गए। अरे अजोधन के अंतर्गत बाबा फरीद का खान कहाँ था? उनका आवास था, उनका निवास था, उनका मठ था। उस जगह पर दोस्तों आपके निजामुद्दीन औलिया पहुंचे। जब निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के पास पहुंचे तो दोस्तों इन्होंने बाबा फरीद से बहुत अच्छी शिक्षा ली। शिक्षा बाबा फरीद ने औलिया को दी और दोस्तों बाबा फरीद ने कहा कि हे शिष्य, अब तू मैं तेरे को मेरा उत्तराधिकारी या फिर मेरा वली घोषित करता। किसने कहा? बाबा फरीद ने कहा। बाबा फरीद ने दोस्त अपना वली या उत्तराधिकारी किसे बनाया? अरे निजामुद्दीन औलिया को बनाया। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद ने कहा, क्या कहा बताने का प्रयास करना कि बाबा फरीद ने निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा? अरे निजामुद्दीन औलिया ने औलिया से कहा कि मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य सौंप दिया है। बाबा फरीद ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि हे औलिया, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है और तुम जाओ उस साम्राज्य को ग्रहण करो। बाबा फरीद ने कहा निजामुद्दीन से कि हे निजामुद्दीन, मैंने तुम्हें इस हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है और तुम जाओ और उस साम्राज्य को ग्रहण करो। क्यों कहा ऐसे? अरे इसलिए कहा, बाबा फरीद ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? निजामुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बात समझ में आई कुछ दोस्तों? देखिए इस चीज को अपन समझते हैं, एक बार इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया, लास्ट में शब्द आता है औलिया। इस औलिया का दोस्तों, यह औलिया वली नामक जो शब्द है उसका क्या है? अरे बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। और वली का अर्थ क्या होता है? अरे उत्तराधिकारी होता। क्या होता है दोस्तों? उत्तराधिकारी होता है। आगे दोस्तों इस औलिया का अर्थ होता है क्या? होता है लाडला। अरे कि ईश्वर का मित्र या प्रेमी। किसका अर्थ है इस औलिया शब्द का अर्थ है? दोस्तों आपके जो निजामुद्दीन औलिया है वो दोस्तों बाबा फरीद का शिष्य था। क्या था? अरे बाबा फरीद का शिष्य कौन था दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया। यहाँ तक कोई समस्या अगर हो दोस्तों तो एक बार बतावा को प्रयास जरूर करियो। चले आगे, देख आगे अपन चलते हैं दोस्तों। वो थोड़ा जो स्टेटमेंट अभी मैंने बताया था आपको मैं लिख देता हूं। देखिए बाबा फरीद ने, बाबा फरीद ने
निजामुद्दीन से कहा, ने औलिया से कहा, क्या कहा दोस्तों कि मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य सौंप दिया है, जाओ और उसे ग्रहण करो। ये बात किसने कही दोस्तों? बाबा फरीद ने अपने शिष्य निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा। क्या कहा? कि मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक जो साम्राज्य है, जो क्षेत्र है दोस्तों, वो तुझे सौंप दिया है और जाओ उसे ग्रहण करो। किसने कहा? बाबा फरीद ने निजामुद्दीन औलिया से कहा। आगे देखिए निजामुद्दीन औलिया की उपाधियां। देखिए दोस्तों, औलिया की उपाधियां कौन कौन सी है? देखिए, यदि आपको याद है दोस्तों तो बताने का प्रयास करना। देखिए, पहली उपाधि है इनकी दोस्तों महबूब ए इलाही। किसकी उपाधि है? निजामुद्दीन औलिया। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ईश्वर का प्रेमी। किसका? इस महबूब इलाही का अर्थ क्या है? ईश्वर का प्रेमी। क्या है दोस्तों? ईश्वर का प्रेम। दूसरी इनकी उपाधि है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया की, क्या है? देखिए, इसकी उपाधि है सुल्तान उसे औलिया। क्या है? सुल्तान उसे औलिया। दूसरी उपाधि क्या है? सुल्तान उसे औलिया। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसका अर्थ है सूफियों का सम्राट। क्या है दोस्तों? सूफियों का सम्राट। एक पहले वो भी आया था दोस्तों, सन्यासियों का सम्राट, आज आया है सूफियों का सम्राट। ध्यान देना दोस्तों, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। एक बार देखिए, अपन इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, बाबा फरीद ने औलिया से कहा था कि मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक जो साम्राज्य है वो सौंप दिया है, तुम जाओ और उस साम्राज्य को क्या करो? ग्रहण करो। क्या करो? ग्रहण करो। दोस्तों, औलिया की कुछ उपाधियां थी। पहली उपाधि है महबूब ए इलाही। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रेमी। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ है ईश्वर का प्रेमी। दूसरा है दोस्तों सुल्तान उसे औलिया। क्या है दूसरी उपाधि? सुल्तान उसे औलिया, यानी कि सूफियों का सम्राट किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों के सन
सन्यासियों का सम्राट हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है और दोस्तों सूफियों का सम्राट किसे कहा जाता है? अरे निजामुद्दीन औलिया को सूफियों का सम्राट कहा जाता है। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या है क्या? नहीं है। आगे चले दोस्तों, देखिए क्या बात है दोस्तों, आज तो आपने मजे कर दिए भाई। देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के अंतर्गत कि योग को अपनाने वाले पहले सूफी संत थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने को मना कर दिया था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया था। किन्होंने? निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि वो स्वयं क्या था? सूफियों का सम्राट था। लेकिन इधर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी भी आपका दिल्ली का सम्राट है, लेकिन ध्यान देना कि इतने बड़े सम्राट से मिलने को मना किसने कर दिया? निजामुद्दीन औलिया मना कर दिया। आगे देखिए, मना करने के बाद में इन्होंने कहा कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, मेरे घर में दो दरवाजे हैं। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। कब? जब अलाउद्दीन खिलजी से मिलना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है, यदि सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी औलिया के प्रिय शिष्य थे। औलिया के प्रिय शिष्य थे। एक बार देखना दोस्तों, समझते हैं, थोड़ा इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों, बहुत आनंद के साथ में और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों अपन इस टॉपिक को देखते हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, टेंशन हमेशा देने की होती है, किसी दूसरे को टेंशन दिया करो जिससे हमेशा वो टेंशन में ही रहे।